हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं स्टार्ट में, ठीक है। जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा चैप्टर है, तो हम उन्हें देखते हैं, तो उनको समझते भी हैं कि मतलब जस्ट हमने तैयार नहीं करनी, हमने उन्हें समझना भी है, क्योंकि आगे ये यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर आती है जी, सबसे पहले हमने रिजल्टेंट वैक्टर पढ़ लिया था, तो इधर पढ़ते हैं जी वैक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कि भाई अब आपने ये तो देख लिया कि भाई एक वेक्टर है, उसमें दूसरे वेक्टर को आप ऐड कैसे कर सकते हो। आपने कहा सर हम उसके लिए एक जुगाड़ सिस्टम तो नहीं है हम लगा सकते कि हर बार यही होगा, बल्कि उसके लिए एक रूल फाइंड किया था, ठीक है। वो रूल का नाम था हेड टू टेल रूल, जिसके अंदर एक वेक्टर को आपने रखना है, दूसरे वेक्टर को उसकी टेल के साथ हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते करते जोड़ते जाना है और फाइनल रिजल्टेंट ड्रा कर लेना है, ठीक है। यूं करके आपने क्या था, आपने कहा था सर ये हमारे पास लेट सपोज आपके पास पहला वैक्टर है, ये सपोज दूसरा वैक्टर, सपोज ये दूसरा वेक्टर है, तो आपने क्या करना है, आपने सर इनको यूं जोड़ना है कि इनका हेड और टेल जुड़ जाए, ठीक है, यूं। और रिजल्टेंट को कैसे ड्रा करना है कि लास्ट वाला जो है उसका हेड और पहले वाले की टेल को, तो ये जो ग्रीन लाइन होगी ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यही आपने कहा था, फिर आपने कहा था कि सर जो ये वैक्टर इसका नाम रिजल्टेंट है, ठीक है। अब आपने ये भी कहा था कि सर सिमिलर क्वान्टिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं, तो जो वेक्टर्स हैं इनकी नेचर सेम होनी चाहिए, तो वेक्टर्स में तो हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स वेलोसिटी के वेक्टर में ऐड नहीं होगा, फोर्स फोर्स के वेक्टर में ही ऐड होगा। सेम जब हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि जिन वेक्टर्स को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, करना है कैसे वो मैं बताता हूँ, लेकिन जिनको सब्सट्रैक्ट करना है उनकी नेचर सेम हो, यानी कि उनकी खानदान सेम हो। ये फोर्स का खानदान है तो ये भी फोर्स के खानदान से ही हो, देन ये दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं आपस में सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि सर ये लिखेंगे कैसे, मैंने कहा यार आपको तो ये पता है कि वेक्टर्स को हम किसी ना किसी सिंबल से जाहिर करते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ए है, आपने इसमें से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करना है। उसने कहा सर ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे, हमने तो जस्ट एडिशन ऑफ वैक्टर्स के मुताबिक वो पढ़ा था हेड टू टेल रूल, तो ये बी वाला क्या चक्कर है। मैंने कहा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि अगर आपके पास ये वैक्टर बी है तो इसका जो इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, माइनस बी होता है। उसने कहा वो क्या सर, देखो अगर इसी को आप माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये यूं लिखा जा सकता है। उसने कहा लिखा जा सकता है। उसने कहा ये जो बाहर वाला माइनस है ये तो ऐसे ही रहने दें, लेकिन जो अंदर वाला माइनस है, इस माइनस को आप क्या, इसका माइनस का मतलब क्या होता है कि वैक्टर का नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है कि वैक्टर का इन्वर्ट, उल्ट। अब किसी ने पूछा भी इन्वर्ट क्या, उसने कहा सर जैसे कि ये 25 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ईस्ट है तो हम कह लेते हैं ये 25 न्यूटन फोर्स है वेस्ट की तरफ, तो जो इसका नेगेटिव 25 न्यूटन बनेगा वो क्या बनेगा, वो 25 न्यूटन ही बनेगा, बस वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, है। उसने कहा सर वो क्या, अभी वो देखते हैं, देखें अगर ये आपके पास कोई भी वैक्टर इधर है, ये है जी 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो जब मैं लिखूंगा ना -5 न्यूटन तो इसका मतलब हो जाएगा ये अब इधर चला गया, क्लियर हो गया। यानी कि जब आप वेक्टर को माइनस लगाओगे तो इसका मतलब आप उस वेक्टर को उल्ट कर दोगे, जस्ट 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 उसकी डायरेक्शन, यानी कि माइनस का मतलब इधर हम क्या लेंगे, डायरेक्शन। बाकी सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स में भी आपने देखा होगा कि माइनस का मतलब होता है उल्ट, तो इधर भी हम नेगेटिव लेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये दो वैक्टर्स हैं जी, ये वैक्टर ए है और ये वैक्टर बी है, मैं चाहता हूं कि मैं ए में से बी को माइनस कर दूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा सर करना कुछ भी नहीं है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बी है तो इसका माइनस बी बनाना है, तो ये बी था, मैंने कहा जी ये बी बना दिया मैंने, लेकिन ये अब बन गया इसका माइनस बी। तो उसने कहा सर इसी इक्वेशन को अब हम ऐसे लिखेंगे इस तरह कि ये ए ये माइनस ये प्लस ये माइनस बी। मैंने कहा यार क्या बात है, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर ही तूने मुझे बना दिया, क्योंकि मुझे ये आता था। और उसने कहा माइनस बी का मतलब सर क्या है, इन्वर्ट कर देना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अब इसका रिजल्टेंट बनाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा जी ए वेक्टर एज सच बी, तो ये ए इंटू बी आ गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, उसने कहा सर रिजल्टेंट वाला वही काम कि आपने टेल और हेड को जोड़ना है, तो मैंने कहा लो जी टेल और हेड को जोड़ दिया, तो ये आ गया जी रिजल्टेंट, ये अब किसके बराबर है, ए माइनस बी के, ठीक है जी। उसने कहा सर वो जो ए प्लस बी वाला जो रोला था जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, यानी कि वो कम्यूटेटिव पढ़ा था हमने, ऐसे पढ़ा था कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो उसने कहा सर क्या ये भी वैसे ही है। मैंने कहा हाँ जी ये भी वैसे ही है, यानी कि माइनस बी को आप स्टार्ट में लिखो ए को बाद में लिखो, तो भी इनका आंसर वही बनेगा,
यानी कि इसको मैं इधर लिखता हूँ कि माइनस बी प्लस ए। तो देखो ये ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब है पहले मैं माइनस बी ड्रा कर लूँ, तो ये आपके पास आ गया जी माइनस ऑफ बी। अब क्या ड्रा करना है, ए, तो इधर इसके इधर आपने रख देना है ए, तो ये रख दिया। अब ये ए है, ये माइनस बी है, तो इनका रिजल्टेंट चेक करें। वाह यार शहजादा लग गया। तो अब भी आप देखें तो अब भी रिजल्टेंट क्या है, सेम है। तो यानी कि जब आपने एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को उड़ाना है तो क्या करना है, द सेकंड वेक्टर जिसको उड़ा रहे हो, जिसमें से जिसको उड़ा रहे हो उसकी नेगेटिव कर देनी है, नेगेटिव मीन के उसकी इन्वर्जन कर देनी है, और फिर उसे वैक्टर एडिशन के रूल के मुताबिक ऐड कर देना। ठीक है, यह था आपके पास वैक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाई आ स्केलर। यानी कि एक वेक्टर को क्या हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? उसने कहा सर ये स्केलर क्या चीज़ है? मैंने कहा यार स्केलर मतलब बस वो ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो क्वांटिटीज़ क्या करती थी, अपने मैग्नीट्यूड पे ज़िंदगी गुजार देती थी। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन की डिमांड ही ख़त्म कर देती थी। अब मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर एक स्केलर से। आप जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। हमने कहा भी वो ऐसी क्वांटिटीज जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ हंसी खुशी मैग्नीट्यूड पे गुजार देती थी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई ना कोई वैल्यू, स्केल से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जब आप वैक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो फिर देखते हैं। ठीक है, स्केलर का मतलब इधर क्या होगा, हम लेंगे स्केलर एनी नंबर, यानी कि स्केलर का मतलब कोई भी नंबर एन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू भी हो सकती है या कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब हम एक पहले मैं नंबर की सेंस में समझाता हूँ फिर क्वांटिटी की सेंस में। तो जब हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अब एन जो है ये एक नंबर है, एंड नंबर जो हमारे पास इधर है ये अगर तो एन ग्रेटर देन जीरो, तो आपको पता है कि ये कैसा होगा फिर, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जीरो लाइन में जीरो से बड़ी चीज़ होती है वो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर से करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि इट विल इंक्रीज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ओनली, से नथिंग टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी कि जब आप इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, ये जस्ट उसके मैग्नीट्यूड को n टाइम्स कर देगा, डायरेक्शन को कहेगा भाई नहीं, कब, जब n विल बी ग्रेटर देन जीरो हो। यानी कि अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर ये वेक्टर मेरे पास ये छोटा सा वेक्टर बेचारे का नाम है जी a, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कर दूँ 3a, तो क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसके असली वैल्यू का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी कि ये ए था तो ये अब क्या है 3a, बट क्या किया उसने, जस्ट डायरेक्शन, आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या किया इसने मैग्नीट्यूड को कितने टाइम कर दिया, एन टाइम, एन यहाँ पर क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू इधर है 3, और से नथिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट कहता है सर अगर ये हो फिर क्या सीन बनेगा, यानी कि इम्प्लाइज डैट माइनस पॉजिटिव इधर, सॉरी पॉजिटिव आना था और नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंस में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, उनका नेगेटिव अभी बढ़ाया, मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी बट नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को भी पलट देगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसी वेक्टर ए को माइनस 3a कहना चाहते हो तो क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड को सबसे पहले 3 टाइम्स कर दो, कर दिया, अब नेगेटिव के मुताबिक इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट 180 बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दो, और अब यह क्या हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैग्नीट्यूड उतने गुना ही बढ़ाएगा जितने गुना वो नंबर की वैल्यू है, बट नेगेटिव क्या करेगा, साथ साथ एक डायरेक्शन पे भी इन्वर्जन लगा देगा। ठीक है, अब करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, अब हमारे पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोस्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम इधर ले लेते हैं जी मैथ्स, तो हम इस मैथ्स को किसी वैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर हमारे पास वैक्टर है जी वेलोसिटी, तो हम इसको एक वेक्टर वेलोसिटी वी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, होगा क्या
कि जब आप इसको एक किसी वेक्टर v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा m इंटू वी। तो आप बताओ कि एक वैल्यू को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या ये स्केलर बन गया, ये वेक्टर था तो क्या रहा वेक्टर। इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब होगा वो भी वेक्टर होगा। तो इसका मतलब है इधर हम इसे बोलते हैं मोमेंटम, और ये क्या होता है p इज इक्वल टू एम वी, और इसकी भी डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि m मैस है और मैस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो होगा क्या कि ये वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो नई चीज़ बन रही है वो उतने गुना कर देगा, डायरेक्शन क्या रहेगा वही। तो एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिटेल में हम चैप्टर 3 में से पढ़ेंगे। ये एक ट्रॉली है, खाली ट्रॉली है, इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं और इधर आप खड़े हो ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रॉली खाली और ये आपकी तरफ बड़ी स्पीड से आ रही है, ठीक है, ऊपर से पहाड़ी से आ रही है, तो हल्की ट्रॉली है, ठीक है, स्पीड से आ रही है, तो आप इसे ना सुकून से रोक लोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया मैंने, इसके अंदर मैस को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया मैंने इसके अंदर ना इंटें भर दिया ऐसे करके, ट्रॉली को फुल इंटों से भर दिया। अब भी ये आपकी तरफ आ रही है, क्या अब आप रोक सकोगे? आपको कि नहीं सर, और ये जो वेक्टर पी पहले बना था ये वीक सा था क्योंकि मैस कम था, लेकिन अब आपने जब वेक्टर मैस की अमाउंट बढ़ा दी तो ये वेक्टर पी पावरफुल हो गया, और डायरेक्शन देखें वही रही बट क्या हो गया पावरफुल हो गया। तो अब मेरे पास मुझे भी आगे इसके पावरफुल चीज़ चाहिए जो इसे रोक सके, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है, डिटेल में हम इसे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। अब हमारे पास है जी शॉर्ट शॉर्ट से 2-3 रहती हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को देखते हैं, इसके ना नाम से ये सारी इसकी हरकतें पता लग रही हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो वेक्टर आपको पता क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर क्या मतलब बना, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर यार अब मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे पास कोई भी है वेक्टर, तो इसके पास अभी आपने कहा कि सर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कलरफुल करते हैं ज़रा, अच्छा लगेगा। मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके पास डायरेक्शन। तो अगर मैं कहूँ ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है ये यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो फिर इस वेक्टर के पास बची क्या डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और दूसरी चीज़ वो क्या इंडिकेट करता है डायरेक्शन। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड ओनली यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन इज नाउन एट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे है ये ज़रा देख लेते हैं। उसने कहा सर ये कोई भी वेक्टर ए है, इसके पास 2 चीज़ें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड, और आपको याद हो तो मैग्नीट्यूड को कहा था कि सिंपल उस वेक्टर को वैसे ही लिखना बगैर किसी एरो शैरो के, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसके लिए एरो आएगा, लेकिन इसके लिए यूनिट के लिए हमने इस तरह का कैप बना दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो ए कैप है ये इस ए वेक्टर का क्या है यूनिट वेक्टर। अब ये बन कैसे रहा है ये ज़रा देख लेते हैं। तो जब आपने एक वेक्टर यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकालना है तो क्या करना है, उस वेक्टर को उसके अपने असली मैग्नीट्यूड पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा उसका यूनिट वेक्टर बनेगा। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये है जी 5 है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूँ, तो मुझे पता है कि इसके मैग्नीट्यूड को एक तो 1 करना पड़ेगा, दूसरा जो चीज़ बचेगी वो डायरेक्शन बचेगी। तो मैं क्या करूँगा इसको इसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूंगा, तो जो नया वेक्टर बचा वो देखो ये ए बचा, ठीक है। वो ए क्या है, ए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे रहा और मैग्नीट्यूड वैसे उसका 5/5, तो आंसर 1 बनेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा जस्ट 1, तो ये इसका क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो कंपनी है साइंस की पूरी जो कंपनी है, इस कंपनी ने हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए भी यूनिट वेक्टर्स को फिक्स कर दिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको याद हो तो जेड वाई और एक्स, ठीक है। तो हम मोस्टली इसे बनाते हैं इस तरह एक्स वाई और जेड आपकी तरफ ऐसे प्रोपेंडिकुलर है, तो इनके लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। अगर कोई बंदा आपसे बोले कि भाई एक्स में क्या है, तो एक्स के लिए उन्होंने कह दिया भाई I कहना है, वाई के लिए जे और जेड के लिए के सीक्वेंस में, ठीक है। ये क्या होंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब उन्होंने कहा सर किसी भी नॉर्मल सरफेस के लिए भी यूनिट वैक्टर्स हैं, ठीक है। नॉर्मल सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, उनका नाम हमारे पास हमने क्या रखा हुआ है, जैसे कि नॉर्मल सरफेस है इसके लिए हमने क्या क्या हुआ है एन
एन क्यों है वो क्या बताता है, यूनिट वेक्टर, कैसे, इस तरह, ठीक है। जब भी हमने किसी सरफेस के ऊपर वेक्टर ड्रा करना हो, यानी कि कोई ऐसे समझ लो इसको हम जुबान में कि भाई एक स्केलर है, उसको ज़बरदस्ती वेक्टर की शक्ल देने के लिए अगर हम कहें तो वेक्टर स्केलर में मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन की कमी है, तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं, यूनिट वेक्टर एन। अब एन क्या, जैसे ये बोर्ड है इसका यूनिट वेक्टर, अब आपको क्या सर इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये तो है एरिया, लेकिन इसका अगर वेक्टर सेंस में से कहें तो इसकी सरफेस के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो इसकी सरफेस इधर है, तो आपको देख रहे हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर आपकी तरफ है यूं करके, ए यू, तो फिर इसके एन की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपके लिए, तो इसे कहते हैं नॉर्मल सरफेस। तो इसी तरह पोजीशन वेक्टर के लिए आ रहा है वो हम आगे देखेंगे, आर कैप, ठीक है। यानी कि अब ओवरऑल डिस्कशन ये बनी कि जब भी किसी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना तो उसी वेक्टर की शक्ल के ऊपर जस्ट एक कैप लगा देनी है एरो उड़ा के, तो वो उसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर। और निकलेगा कैसे, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे आपने जस्ट डिवीजन दे देनी है, तो वो होगा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जी नल वेक्टर। जैसे हमारे पास आम मैथ है उसके अंदर आपको पता है प्लस माइनस माइनस वन, यानी कि प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं एडिशन आइडेंटिटी। यानी कि जो आइडेंटिटी है इसको जब आप किसी भी चीज़ में ऐड या माइनस करते हो तो उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह किसी बंदे ने कहा कि सर अगर सब्सट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वैक्टर ए है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ए में ए को ही माइनस कर दूँ तो कैसा लगेगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो ठीक है, उसके अंदर भी है तो इधर भी कुछ होना चाहिए। उसने कहा सर ये ए है, ए में मैंने ए को ही माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ए में से माइनस किया तो आंसर क्या बनना चाहिए, जीरो। लेकिन यार आपको अभी तो कहा कि सिमिलर नेचर की चीज़ें ऐड और माइनस हो सकती हैं, तो इसका मतलब है ये जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो के पास तो डायरेक्शन नहीं है, तो फिर इसके लिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, जीरो वैक्टर या नल वैक्टर। नल का मतलब होता है खाली। अब इसके जीरो से एक चीज तो पता लग रही है, क्या चीज, कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, जीरो। बस लेकिन बंदा पूछ रहा है सर इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों को ऐसे ऐड करने से इधर डायरेक्शन का आंसर क्या बनेगा, अननोन सा बनेगा, आर्बिट्रेरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं हमारी जबान में, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यानी कि ऐसा वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी को आप ऐसे कह लो अननोन डायरेक्शन, और इसको हम कहेंगे जी वेक्टर एडिशन आइडेंटिटी। तो जब आप इसको किसी भी वेक्टर में ऐड करो या माइनस करो वो वेक्टर ही वापस आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, या इसको स्लैश डाल के आप कह सकते हो जीरो वेक्टर, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इधर है इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या है, इक्वल आपको नाम से पता लग रहा है, जब मैं कहता हूं कि भाई ये एक वैल्यू है x, ये बराबर है y के, इसका मतलब है कि जो x में वैल्यू आनी है वो वही वैल्यू y में आनी है। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 2 है तो इट मींस y इज आल्सो इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये तो है जी हमारे पास सिंपल अलजेब्रा जिससे हम स्केलर के सेंस में डील करें। लेकिन जब मैं वेक्टर्स की बात करूँ कि दो वेक्टर इक्वल हैं तो फिर उसके लिए क्या क्या इक्वल होना चाहिए, सर एक चीज़ मैग्नीट्यूड्स, मैंने कहा वो तो होगी, उसका फिर डायरेक्शंस भी इक्वल। डायरेक्शन इक्वल कैसे होंगी भाई, इसकी और इसकी डायरेक्शन इक्वल, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इधर आ रहे इधर आ रहे तो डायरेक्शन इक्वल है, नहीं, दोनों के डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। यानी कि टू वैक्टर्स अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं, या मैं कहूँगा वैक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आर नाउन एज इक्वल वैक्टर्स। और समझ आ गई कि ऐसे वैक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, हम उनको क्या बोलते हैं अपनी जुबान में, इक्वल वैक्टर्स। अब मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये देखें जी, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मैं कहता हूँ जी सपोज ये जी 5 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। आपने अपनी कॉपी पे या आप फर्ज को लो अकेडमी गए या कॉलेज गए, उधर किसी टीचर ने भी ऐसा ही वेक्टर ड्रा किया जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है इस तरह फोर्स का और डायरेक्शन ऊपर है, तो इस रूल्स के मुताबिक इक्वल वैक्टर्स के मुताबिक ये दोनों वैक्टर्स क्या होंगे, इक्वल। यानी कि अगर ये ए वैक्टर है और इधर एक और वैक्टर मैंने ड्रा किया है ए, इस जगह करते हैं, ठीक है, और ये भी ऐसे ही है 5 न्यूटन ऊपर के डायरेक्शन के मुताबिक, तो इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दिस इज नाउन एज इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। आगे वो कहता है कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं,
अगर वो लाइन लिखता है पूरी टू पैरेलल वेक्टर्स एंड सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है, अब दो पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो पैरेलल सीधी सीधी एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो दो पैरेलल जो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर आ रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये एक और वेक्टर आ रहा है ये भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से हमें ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप ये नहीं कहोगे ये इक्वल है, कब तक नहीं कहोगे, जब तक उनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या ना हो सेम हो, तो अगर इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है फिर ही इनके मैग्नीट्यूड m1 m2 विल बी इक्वल। हाँ ये हो के आपको यही ना पता हो कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक यहाँ से बेचारा शुरू हो रहा है एक नीचे से, तो मुझे बताओ कि आप ये इक्वल वैक्टर्स हैं, आपको सर नहीं, क्योंकि m1 नॉट इक्वल टू m2 इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इज नॉट इक्वल टू b इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में सेम है, तो हमें वेक्टर की सेंस चाहिए, यानी कि जिसमें दोनों चीज़ें ही उसकी पूरी पूरी उतरे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। हाँ अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, तो फिर ये ए इज इक्वल टू बी बनेगा, क्योंकि अब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी, तो ऐसे वैक्टर्स को सेट टू बी इक्वल वैक्टर्स। इससे रिलेटेड कोई एम सी क्यूज है, कोई सवाल है, तो कमेंट में बताएँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।